हम आपसे बार बार क्यों कहते हैं कि घंटी बजाओ घंटी बजाओ, क्योंकि आप जब घंटी बजाते हैं ना तो बहुत कुछ बदलता है। जैसे यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से साल भर पहले किए गए वादे योगी सरकार को आपकी घंटी नहीं तो याद दिलाए हैं। देखिए फॉलो अप रिपोर्ट। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। आपकी घंटियों की आवाज से टूटी योगी सरकार की नींद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी ने बुलाया, मानदेय बढ़ाने समेत हर तरह की दिक्कत दूर करने का वादा किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समस्या का समाधान करने के लिए अगले सप्ताह ही मैंने उन सबको बुलाया है। हमारी कमेटी अंतिम स्टेज पे चल रही है, कैसे उनके मानदेय की स्थिति को और सुदृढ़ करने के सामने क्या कदम उठाए जाने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान शामली जिले में कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के दौरान किया। करीब 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को दूर करने का भरोसा दिया है, पर कैसे सीएम योगी को अचानक इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दर्द का एहसास हुआ ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का एक और बयान सुनवाते हैं। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूँ, ये समस्याएं चाहे अधिवक्ता समुदाय की हो या आंगनबाड़ी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की, उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग सरकार समस्या का नाम नहीं, हमारे लिए सरकार समस्या के समाधान का नाम है। 8 मई को घंटी बजाओ में यूपी की 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दर्द मेरी ही रिपोर्ट में देश ने देखा था। 3 जिलों से पड़ताल कर मैंने बताया था कि किस तरीके से सिर्फ 4,000 रुपयों में 14 तरह की सरकारी योजनाओं को ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजाम दे रही हैं और ये पैसा भी उन्हें वक्त पर नहीं मिल रहा है। चुनाव के वक्त बीजेपी ने ना सिर्फ इनका मानदेय बढ़ाने का वादा किया था बल्कि सरकार में आने पर 120 दिन के अंदर इसे लागू तक करने की बात की थी, पर सत्ता में आते ही ये वादे भुला दिए गए। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी घंटियों का ही असर है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके दर्द को दूर करने का वादा किया है, लेकिन इस वादे को भी उपचुनाव होते ही योगी जी भूल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र हो या खेल अनुदेशक या फिर शिक्षा प्रेरक, इनका दर्द भी सरकार तक हमने पहुँचाया, जिसके बाद सरकार ने मदद के वादे तो खूब किए पर मदद किसी को अब तक मिली नहीं। इसलिए वादों के हकीकत बन जाने तक आप लगातार घंटी बजाते रहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।